हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज योर होस्ट कार्तिक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो ब्लॉग जो है आज शाम के टाइम पे शुरुआत की है एंड ऑफिस से मैं थोड़ा जल्दी निकला था, तो बेसिकली आज मोटो ब्लॉग भी हुआ और अभी जस्ट मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, घर आके फ्रेश अप हुआ। जैसा कि आप देख रहे हो मैं पूरा भंटन के बैठा हूँ, तो हम लोग को जाना है बाहर गणपति लेने के लिए। तो बेसिकली दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम मैं गणपति लेके आने वाला हूँ सोम्य के घर। तो या क्वाइट एक्साइटेड एंड मॉम और मेरी मौसी बाहर बैठी हुई है, तो जस्ट अभी थोड़ा टाइम के लिए मतलब रिलैक्स कर रहा हूँ, बिकॉज कैसा है बहुत ट्रैफिक से आ रहा हूँ एंड काफ़ी मतलब भीड़ थी, ट्रैफिक थी काफ़ी बाहर, तो उस वजह से सोचा कि थोड़ा बैठ लूँ, आराम कर लूँ, फिर थोड़े टाइम बाद 9 बजे के आसपास निकलूँ। अभी अराउंड बज रहे हैं 8:30, तो थोड़ा बहुत रुकता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो बेसिकली संजना, विकी और सौम्या इन लोग आने वाले, सौम्या की मॉम और डैड नहीं आने वाले, बिकॉज घर पे भी रुकना है, थोड़ा बहुत मतलब मोदक बनाना है उन लोग को, तो इसके लिए उन लोग घर पे रुके हुए हैं और हम 6 लोग जाने वाले हैं। तो या लेट्स सी हाउ द डे टर्न्स आउट, तो क्वाइट एक्साइटेड, सो या लेट्स रोल आउट। हे गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके एंड बारिश अभी चालू हुआ है। एक्चुअली अभी तो 9 बज के चला गया है, तो थोड़ा बहुत गर्दी कम हो गया, नहीं तो ये रोड पर पूरा ट्रैफिक था। तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए हम लोग ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा लेट ही जाए। तो साथ में संजना है, पीछे सौम्य लोग आ रहा है। तो अभी बारिश तो अचानक से चालू होता है, बंद होता है, तो एनीवेज चलते एक बार स्पॉट पे जाएंगे ना। स्पॉट पे जाने के बाद एक बार ब्लॉक करता हूँ। नविदा चप्पल का आना तेरे को, इतना बड़ा थैली दी है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, उंदीर मामा की जय। हाँ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आराम से, हाँ मैं वो साइड से आती हूँ। हाँ अन्ना बीच में जा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति मामा की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया, उंदीर मामा की जय। है उसमें सीधा रहो।
गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपती बाप्पा मोरया। बीच में समझो ना, दिखाओ अभी गणपती बाप्पा बीच में है ना। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मामा की जय। इतना बराबर है, लाइट ऑन कर अभी। कल ना तू ही बोल, कल करना है अभी, करना है वही मैं पूछ रही हूँ ना। कल 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 कर अभी, वो निकलने का है ना। हाँ वो कहाँ चिपकने वो साइड में आएगा। तो डिजाइनिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो ऊपर का है गणपति का ऊपर का टोकल उठेगा, बस कल चतुर्थी है इसके लिए, आज बेसिकली थर्सडे है इसके लिए हम लोग ने आज ही लेके आया, कल काफ़ी गर्दी हो जाएगा उस वजह से। एंड कल पूजा करके सब ये करेंगे और डेकोरेशन का लाइटिंग सब स्टार्ट करेंगे। ये भी यूट्यूबर ही है। क्या बनाता तू? स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस म्यूजिक के साथ। कॉपीराइट नहीं लगता? लगता है, कॉपीराइट क्लेम। अभी क्या कह सकते, सार्वजनिक एनजीओ टाइप, एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका हैवी डिस्कशन चालू है, सब संजना स्क्रू बता, इसका स्क्रू गिरा ऊपर से। इसको टेंशन आ गया, मैं अकेले चल रहे हैं, लोग हेल्प किया। कपड़ा वैसे तो आ जा रहे थे जल्दी। हां तेरा छुट्टी है ना वैसे भी? हां छुट्टी है। विकी 6 बजे सच में आने, सपने में नहीं आने। मैं सब जाते रहते कोई रिश्ता से उठ नहीं देते, नहीं आएगा सुबह का नहीं। सुबह का नहीं, शाम का नहीं, सुबह आने का और रोज आने का। रोज सुबह 6 बजे नहीं, सुबह नहीं हो पाएगा। पढ़ाई से तो इधर कर दो, मेरे कल रहती है ना अपने घर पे, बाद में बाकी का जो मेरी मम्मी तेरे को और काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इसका एग्जाम हुआ रहेगा ना, अभी छुट्टी चालू है। 5 दिन छुट्टी है ना, 5 नहीं 4, एक संडे आया ना। अंदर खड्डे का फोटो निकालना, खड्डे का फोटो करना। चल छतरी पकड़। सो गणपति रख के अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, कल स्थापना है ना। हाँ। स्थापन करेंगे सुबह करते हैं ना। हाँ। पर तू थोड़ी आएगी अभी, ऐसा बोल के जलाने का नहीं रहता। सो अभी घर पे जाते हैं, बस बारिश भी वापस चालू हो चुकी है और घर अपना एक्चुअली पास में ही है, वैसे कुछ टेंशन नहीं है। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग घर पे आए एंड गणपति सब रख के आ चुके हैं, अभी कल स्थापन है गणपति का। तो देखता हूँ सुबह जैसा होता है उस हिसाब से जाऊँगा। पहली बात तो मुझे सुबह उठ के गाड़ी धोना है, गाड़ी काफ़ी गंदा हो चुका है, बिकॉज़ आपको भी पता है कि अपना रेगुलर जो रोड है काफ़ी गंदा है डोंबिली का, कल्याण का, और ट्रैफिक लग गया तो अपने को साइड से पूरा कीचड़ से डालना पड़ता है गाड़ी को। तो एनीवेज अभी हम लोग ने क्या किया है कि उसमें ऑक्सलाइट भी लगाया हुआ है, तो ऑक्सलाइट का भी फ़ोटोशूट करना है गाड़ी के साथ।
तो पूरा गाड़ी एकदम ब्लैक के साथ, मतलब एक जच रहा है, मतलब पूरा ब्लैक गार्ड एंड ब्लैक अपना फ्रंट ब्रेक ऑयल रिजर्वायर का जो प्रोटेक्टर है वो ब्लैक कलर का है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फोक का अपना ऑक्स लाइट माउंट है वो भी ब्लैक कलर का है. तो काफ़ी मतलब अलग ही दिख रहा है अभी गाड़ी, तो धोने के बाद और भी मस्त दिखेगा. तो धो के पूरा क्लीन अप करके मुझे ये करना पड़ेगा, अपना क्या बोलते हैं, लूप करना पड़ेगा, बिकॉज ऑन रेगुलर बेसिस अपना रनिंग बहुत है, 60-70 किलोमीटर का रनिंग है ऑन डेली बेसिस. तो इस वजह से अपना जो चेन है काफ़ी जल्दी ड्राई होता है, बिकॉज 650 cc एट दी एंड. तो वो एक चीज़ है, तो वो भी एक देखना है. तो कल सुबह उठ के वो सब करना पड़ेगा. तो अभी हम लोग जस्ट आए एंड संजना हमारे यहाँ पे रुकी हुई है, बिकॉज कल सुबह उसे वहाँ पर जाना है, सो मैं के यहाँ पर जाना है. तो या तो वही जस्ट ऐसे ही चल रहा था बात सब. तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं आज, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं गणपति लाया हूँ. तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड एंड काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे. तो एनी वेज गाइस, एक शॉर्ट सा वीडियो था, आई होप सो आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक शेयर और कमेंट करो, नए हो सब्सक्राइब करो, बिकॉज आप ही के सब्सक्रिप्शन से अपने को मोटिव मिलता है नए कॉन्टेंट बनाने के लिए. एंड एज ऑलवेज गाइज, थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग. सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, बाय.